स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड ग्रेशियस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर मिस समरीन। टुडे आई विल टीच यू सोशल स्टडीज़ ऑफ क्लास 7th। एज़ यू नो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन एंड आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, ओके, एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3। तो आप लोग आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोगों ने अपने बुक्स खोलने हैं पेज नंबर 3। शाबाश, बुक्स खोले अपने। ओके स्टूडेंट, सो ऑन पेज नंबर 3 यू कैन सी दिस क्वेश्चन। ये यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लुक एट द वर्ल्ड मैप इन योर एटलस। ऑल द देयर आर मुस्लिम इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर नो इस्लामिक स्टेट्स इन 3 कॉन्टिनेंट्स। कैन यू नेम देम। कि आप लोगों ने फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास पूरे इस्लामिक स्टेट्स जितने भी हैं, कि आप लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम हम लोगों ने लिखने हैं जहाँ पर कोई भी इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक कंट्री नहीं है, या जहाँ पर इस्लाम बिल्कुल है ही नहीं, उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं। ओके, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी है और तीसरा भी है, तो ये आप लोगों को मैं अभी क्वेश्चंस में आप लोगों को तरीक़ा मैं सिखाऊंगी आप लोगों ने लिखने कैसे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने नोटबुक्स अपने लिए ख़रीदे हुए होने चाहिए ताकि आप लोगों का फिर टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो अभी आप लोग यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चैप्टर में हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने आप लोगों के लिस्ट में बनाए हैं। तो आप लोग जो मैं आप लोग को अभी दिखा रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही पैटर्न अपनाना है। ओके, फिर जब स्कूल्स खुलेंगे इंशाल्लाह तो फिर हम लोग उसकी चेकिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लुक एट हियर, ये मैंने बिल्कुल नोटबुक का ही पेज लिया है। अभी आप लोगों ने पैटर्न इसी तरीके से करना है, एक साइड पे और दूसरे साइड पे मार्जिन लाइंस होनी चाहिए। आप लोगों ने फिर स्टार्ट कैसे करना है, आप लोगों ने लिखना है एक्सरसाइज नंबर 1 और टॉपिक लिखना है ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आप लोगों ने फिर करना क्या है कि आप लोगों ने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द कॉलम्स। अब कॉलम्स चूँकि हमारे पास चैप्टर में नहीं है और मैंने कह दिया कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स हम लोग खुद बनाएंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक साइड पे दूसरी साइड पे लिखना है कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो फर्स्ट इज़ बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड अदर्स। तो बुद्धिस्ट इज़ 6%, हिंदू इज़ 14%, मुस्लिम्स इज़ 21%, क्रिश्चियन इज़ 33% एंड अदर इज़ 26%। फिर आप लोगों ने लास्ट में क्या करना है, एंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ओके, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा। अब ये आप लोगों ने लिखना है अपने नोटबुक के स्टार्ट पे, जैसे ही हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो जाए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, ब्लैंक्स लिखेंगे, कि ऑप्शन ब्लैंक्स भी हमारे पास होंगे और हमारे पास सिर्फ ब्लैंक्स भी होंगे। तो अब लोग ने पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही यूज़ करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखिए, ये अब हमारे पास पेज नंबर 2 है। यहाँ पर ये ऊपर मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कॉलम्स। सेकंड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर होगा द हाइएस्ट रीजन्स आर इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नीचे 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, फर्स्ट है यमन एंड ओमान, लीबिया एंड इजिप्ट, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, सीरिया एंड इराक। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस जो है, इसमें से जो हमारे पास सूटेबल आंसर है उसका वो है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के। जो हाईएस्ट रीजन्स है, जो हमारे पास हाईएस्ट इलाके हैं, वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। दूसरा हमारे पास है द मेन माउंटेंस रेंजेस इज नॉर्थ अफ्रीका इज देश। द मेन माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ अफ्रीका इज देश, के हमारे पास ये नॉर्थ अफ्रीका की तरफ जो माउंटेन रेंजेस है उनको कौन सा रेंज कहा जाता है। तो ऑप्शन है कराकोरम, हिंदुकश, हिमालयास एंड एटलस रेंज। तो हमारे पास ब्लैंक में आएगा एटलस रेंज। आप लोगों ने बिल्कुल इसी पैटर्न से लिखना है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड, देयर आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन देश। हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर है, ऑप्शंस साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो सही हमारे पास है साउथ ईस्ट एशिया।
ओके यहाँ पर अब हमारे पास है फोर्थ, टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन डेश, के टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास मलेशिया, सूडान, सऊदी अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका है सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ नंबर, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज आर लोकेटेड इन देश एंड देश, कि हमारे पास ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज जो है वो कहाँ पर हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, लीबिया एंड इजिप्ट, डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड, कि मुस्लिम कंट्रीज जो ज़्यादातर हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ का मुस्लिम वर्ल्ड का ज़्यादातर पार्ट जो है वो क्या है, डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड। ओके अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे देखिए आप लोगों ने लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री, एंडिंग लाइन्स ड्रॉ करने हैं, फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब यहाँ पर हमारे पास है ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल आप लोगों ने ब्लैंक से लिखना है, फिर आप लोग लिखे ब्लैंक्स। फर्स्ट आप लोगों ने लिखना है द रिवर नाइल इज़ इन टेश, कि रिवर नाइल जो है वो कहाँ पर है। तो रिवर नाइल इज़ इन इजिप्ट। द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स फ्लो इन टू गल्फ, के हमारे पास रिवर टिग्रिस जो है और यूफ्रेट्स जो है ये कहाँ पर फ्लो होते हैं। तो ये हमारे पास फ्लो होते हैं गल्फ में। अब गल्फ क्या है, अगर आप लोग डिफिनीशन नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, अ पार्ट ऑफ द सी दैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई लैंड, कि हमारे पास समंदर का वो हिस्सा जिसका एक हिस्सा हमारे पास जो होता है तकरीबन वो लैंड होता है, लेकिन गल्फ हमारे पास जो होता है वो हमेशा सी से कनेक्टेड होता है, ओशन से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिवर इंडस फ्लो इन टू द अरेबियन सी, कि हमारे पास इंडस रिवर जो है वो हमारे पास कहाँ पे फ्लो करता है उसका पानी, अरेबियन सी में। तो ब्लैंक नंबर फोर हमारे पास है इस्लाम इज़ द देश लार्जेस्ट रिलीजन, इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट वन इज़ क्रिश्चियनिटी, वेरी गुड। फिफ्थ नंबर इज़ ऑफिशियली देयर आर देश मुस्लिम कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज, तो ऑफिशियली देयर आर 55 इस्लामिक कंट्रीज आर मुस्लिम कंट्रीज। सिक्स नंबर द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट देश किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड देश किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, सो ईस्ट टू वेस्ट इज 15 किलोमीटर एंड नॉर्थ टू साउथ इज 6000 किलोमीटर। ओके तो ये हमारे पास ब्लैंक्स थे। अब आप लोगों ने फिर से मार्जिन लाइन ड्रॉ करना है, फिर आप लोगों ने लिखना है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आप लोगों के बुक में मौजूद है जो पेज नंबर थ्री पर है। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी आप लोग को रीड भी कर दिया कि हमारे पास वो इस्लामिक कंट्रीज़ वो कौन सी थ्री इस्लामिक या कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पर हमारे पास इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है ये जिस तरीके से मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर वन, तो आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, फिर इसके नीचे आप लोगों ने लिखना है आंसर नंबर वन। ओके अब उसी क्वेश्चन को जो पेज नंबर थ्री पर है उसको आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर साफ साफ, फिर उसके नीचे आप लोगों ने ये आंसर लिखना है जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों को आंसर रीड कर देती हूँ। देयर आर नो इस्लामिक स्टेट्स इन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में के अंदर हमारे पास कोई भी इस्लामिक स्टेट नहीं है, वो हमारे पास इस्लामी रियासतें नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। ओके क्लियर। अब आप लोगों ने इसके नीचे बिल्कुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू जो हमारे पास पेज नंबर थ्री पर है, तो उसमें हमारे पास पूछा गया है कि वो हमारे पास कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा प्लेस है जिसमें हमारे पास 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम ओरिजिन में आता है, मतलब असल में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ही इस्लाम हमारे पास है। और दूसरा ये कि उसमें हमारे पास उसी क्वेश्चन में दिया गया है कि आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी से हेल्प ले सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि स्कूल्स हमारे पास बंद हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोगों ने क्या करना है, आंसर यहाँ पर आप लोगों को मैंने लिखा हुआ है, नज़र आ रहे हैं। तो आंसर हमारे पास है दिस इज़ अल्बेनिया एडजॉइनिंग ग्रीस। अल्बेनिया बिकम इन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1912, कि अल्बेनिया हमारे पास जो थी जो वो हमारे पास 1912 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया
इट वॉज अ सोशलिस्ट स्टेट. अब हमारे पास सोशलिस्ट स्टेट किसे कहते हैं, तो सोशलिस्ट की आप लोग डिफिनीशंस ही अपने साथ नोट करते जाएं. ओके, तो सोशलिस्ट हमारे पास है ट्रेडिंग एंड वेल्थ शुड बी ओन आर कंट्रोल बाय द वर्कर्स. कि हमारे पास जो तिजारत होती है या मुल्क की जो इकॉनमी होती है वो हमारे पास एक ऐसे बंदे के इख्तियार में हो या उन लोगों के इख्तियार में हो जो काम करते हैं, आर ओन बाय द वर्कर्स. ओके, तो दैट्स कॉल्ड सोशलिस्ट. बट इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, आप लोग ये डिफिनीशन भी नोट करें. पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पार्टी विद द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इट्स लीडर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आर द स्टेट. हमारे पास वो बंदा जो मतलब मुल्क के अंदर वोटिंग हो जाए और एक पार्टी जो है वो हमारे पास इख्तदार में आ जाए, वो जीत जाए, वो पार्टी जो होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है. उसी पार्टी का जो मेंबर होता है वो हमारे पास मुल्क का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या स्टेट का. क्लियर? ओके. इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द OIC. इट इज़ ऑल्सो मीन अल्बेनिया इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ OIC. OIC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज. ओके, द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन पेज 3. लुक एट द मैप गिवन अबाव एंड नोट द डिटेल्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड. मेक अ टेबल शोविंग द नेम्स ऑफ द मुस्लिम कंट्री एंड देयर नेचुरल वेजिटेशन. आप लोग अगर अपनी बुक्स में देखें तो पेज नंबर 3 में हमारे पास ऊपर एक मैप दिया गया है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, जो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था. तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास उसी मैप से रिलेटेड है कि आप लोगों ने हमारे पास के मुस्लिम वर्ल्ड में कौन कौन सी एरियाज़ जो होती हैं वहाँ की वेजिटेशन जो है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ है और उनका जो वेजिटेशन के हवाले से जो एरिया है वो कैसा है. तो इसी के साथ आप लोगों ने पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से अपनाना है, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना हो. आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है जो बुक में है पेज नंबर 3 पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये. सही है? अभी आप लोगों ने करना क्या है कि ये आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया तो आप लोगों ने एक साइड पे लिखना है नेम ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़, दूसरे साइड पे लिखना है नेचुरल वेजिटेशन के मतलब वो एरिया जो है वो कौन से पार्ट में आता है. फर्स्ट हमारे पास है, तो गौर से सुनिएगा, फर्स्ट हमारे पास है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और बहरीन. ये हमारे पास आते हैं हॉट डेजर्ट में. इनकी मतलब जो प्लेसेस है क्लाइमेटिक वाइज या वेजिटेशन वाइज, तो वो हमारे पास है हॉट डेजर्ट. ये कंट्रीज़ जो है ये आते हैं हॉट डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट इन्हीं कंट्रीज़ में है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ कैमरून, गैबन, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश एंड ज़ायर. ये हमारे पास है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल मैंने कहा था जहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा सर्द होता है. ओके, थर्ड में हमारे पास है तंजानिया, मोरक्को, सोमालिया एंड मोरिटानिया. तो वो हमारे पास है सीमी डेजर्ट एंड स्क्रब. ओके, नेक्स्ट वन इज़ जैम्बिया, एंगोला, नाइजीरिया, कोडियार एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान और कंट्री, तो वो हमारे पास है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सीरिया एंड तुर्की. ये हमारे पास है टेम्परेट डेजर्ट. क्या है? टेम्परेट डेजर्ट. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड इट्स इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ये जो है ये अपने नोटबुक्स में आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे. अगर फिर भी किसी को कोई मसला है लिखने में या किसी को सही से नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग इसकी एक कॉपी जो है वो आप लोग स्कूल से ले सकते हैं. ये क्योंकि हम स्कूल में सबमिट करते हैं तो आप इसकी एक कॉपी स्कूल से ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर.